शिवपुरी सांसद के पी यादव द्वारा कलेक्टर गुना के खिलाफ दिए गए बयान पर आपत्ति जताते हुए महिला कांग्रेस नेताओं ने उन्हें शिवपुरी दौरे के दौरान चुड़िया भेंट करने की बात कही। साथ ही राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर सदस्यता रद्द कराने की मांग रखी। महिला कांग्रेस के जिला अध्यक्ष उषा भार्गव ने सांसद केपी यादव के विरोध में राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन डिप्टी कलेक्टर को सौंपा है, जिसमें उन्होंने सांसद यादव की सदस्यता को रद्द करने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया कि गुना शिवपुरी से नवनिर्वाचित सांसद डॉक्टर केपी यादव ने अशोकनगर कलेक्टर मंजू शर्मा के खिलाफ जो टिप्पणी की है वो निंदनीय है। एक सांसद को मर्यादित भाषा का उपयोग करना चाहिए। इनका बयान आपत्तिजनक है। महिला कांग्रेस द्वारा राष्ट्रपति से निवेदन किया गया कि सांसद यादव ने उक्त कृत्य पर उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए और उनकी सदस्यता निरस्त की जाए। शिवपुरी से देवेश सेन की रिपोर्ट। मामला तो यही है, आप सबको पता है कि हमारे यहाँ के जो सांसद जी हैं उनने जो अभद्रता का परिचय दिया है, नारी का इस तरह से सम्मान करना उनका, ऐसा लगा मुझे कि इनने इतने अच्छे से सम्मान किया। क्या वो सम्मान किया? ये सम्मान ही है, उनने तो अपना सम्मान कैसे कर ले, उनको कैसे करना चाहिए? नारी सम्मान के लायक है या पैर चूमने के लायक है? तो आप क्या चाहते हैं? हम उनके चाहते हैं कि वो अपने इस्तीफा दे। अगर उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया तो नारी का सम्मान करना सीखे, माफी मांगे। वो नहीं सीख पाए तो क्या सीख देंगी आप फिर? हम ये बिल्कुल उनको सीख देंगे कि उनके यहाँ भी नारी है और नारी का सम्मान करना। उनने जब ये योजना चलाते, प्रधानमंत्री जी योजना चलाते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारी का सम्मान करो, तो जब ये सांसद ही नहीं करते तो फिर ये योजना क्यों चलाते? नहीं, आप कोई ज्ञापन वगैरह देना चाह रही हैं राष्ट्रपति जी के नाम? क्या जी बिल्कुल, मैं धरना दिया है और 2 बजे हम ज्ञापन देंगे और इसमें हमने बोला है कि वो बाकायदा माफ़ी मांगे और उनका इस्तीफा लें। अच्छा, अगर उन पर कार्रवाई नहीं होती है तो क्या इस मामले को आप कहाँ तक ले जाएंगे? जब कार्रवाई नहीं होगी तो आगे की हम अपनी प्रक्रिया शुरू करेंगे। जब आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन क्या करेंगे? हम आंदोलन भी करेंगे, आंदोलन भी कर सकते हैं, धरना भी दे सकते हैं। नारी का सम्मान ही नहीं होगा तो हम तो यही चाहेंगे। और हमारे महाराज साहब ये बताएं वो कि कब उनने कहा है कि महिलाएं पैर छुए? उनने तो कभी नहीं कहा। वो तो किसी को भी तो बहुत सम्मान करते हैं महिलाओं, वो हमेशा सम्मान करती है, उनने हमेशा महिलाओं को आगे किया है, वो करते रहे। हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।